हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें तो डायबिटीज हार्मोन के असंतुलन, मोटापा और अस्वस्थ जीवन शैली का एक मिला जुला नतीजा है। इन कारणों से भोजन से मिला कार्बोहाइड्रेट, जिसे हमारी कोशिकाओं में जाकर ऊर्जा देने का काम करना चाहिए, खून में ही घूमता रहता है। इससे खून में शुगर की मात्रा तो जरूरत से ज्यादा मिलती ही है और शरीर के सभी अंगों की नसों पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगता है। दो भाग के डायबिटीज के हमारे वीडियो के पहले भाग से आज आप जानेंगे डायबिटीज के लक्षण, डायबिटीज के प्रकार, डायबिटीज में कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, किन अंगों पर होता है डायबिटीज का असर, किसे पड़ती है इंसुलिन की जरूरत, इंसुलिन लेने का सही तरीका क्या है, इंसुलिन का इस्तेमाल कैसे करें, डायबिटीज का आयुर्वेदिक उपचार, डायबिटीज में पैरों की सुरक्षा कैसे करें, क्यों बढ़ रहा है बच्चों में डायबिटीज का खतरा, और मोटापे और डायबिटीज में क्या है संबंध, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आज आपके लिए इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं डायबिटीज के लक्षणों के बारे में। बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना, जीभ का सूखना और होठों का फटना, वजन में कमी आना और घावों को भरने में अधिक समय लगना, स्किन में खुजली रहना, त्वचा पर लाल चकत्ते अथवा दाने होना, ये सभी डायबिटीज के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, मितली और उल्टी का एहसास होना, उंगलियों में दर्द तथा उंगलियों का सुन्न हो जाना अथवा उनमें कपकपाहट का एहसास होना, त्वचा में सूखापन और बार बार संक्रमण होना, बालों का झड़ना, अधिक मानसिक तनाव में घिरे रहना, नजर में धुंधलापन और आंखों की अन्य समस्याओं के साथ, महिलाओं में गर्भावस्था से जुड़ी समस्या जैसे गर्भ का न ठहरना, गर्भधारण में समस्या होना आदि मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं। पर ध्यान रखें कि ये लक्षण अन्य बीमारियों की भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसे लक्षण हो तो चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। और आइए अब बात करते हैं डायबिटीज के प्रकार के बारे में। मुख्यतः डायबिटीज दो प्रकार का होता है। पहला टाइप 1 डायबिटीज। इस प्रकार का डायबिटीज बचपन या किशोरावस्था में अचानक इंसुलिन के उत्पादन की कमी होने से पैदा होने वाली बीमारी है। इसमें इंसुलिन हार्मोन बनना पूरी तरह बंद हो जाता है। ऐसा किसी एंटीबॉडी की वजह से बीटा सेल्स के पूरी तरह काम करना बंद कर देने से होता है। ऐसे में शरीर में ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसके मरीज वैसे काफी कम होते हैं। और दूसरे तरीके की डायबिटीज होती है टाइप 2 डायबिटीज। आमतौर पर इस प्रकार की डायबिटीज 30 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे होती है। इससे प्रभावित ज्यादातर लोगों का वजन सामान्य से ज्यादा होता है या उनमें पेट के मोटापे की समस्या होती है। यह कई बार अनुवांशिक होता है तो कई मामलों में खराब जीवन शैली से संबंधित होता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन कम मात्रा में बनता है या पैंक्रियास सही से काम नहीं कर रहा होता। डायबिटीज के 90% मरीज इसी कैटेगरी में आते हैं। एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और दवाइयों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और आइए अब जानते हैं कि डायबिटीज के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो डायबिटीज में ब्लड शुगर का टेस्ट किया जाता है। यह 2 बार होता है। पहला खाली पेट, जिसे फास्टिंग कहते हैं, और इसकी नॉर्मल रेंज 100 से 120 होनी चाहिए, और दूसरा नाश्ता या ग्लूकोज लेने के बाद, जिसे पीपी कहते हैं, और इसकी नॉर्मल रेंज 130 से 160 होनी चाहिए। और ब्लड शुगर के ये दोनों टेस्ट हफ्ते में कम से कम 1 बार जरूर कराने चाहिए, अगर आपको डायबिटीज है तो। इसके अलावा HbA1c टेस्ट भी किया जा सकता है। इसे एवरेज ब्लड शुगर टेस्ट भी कहते हैं। HbA1c हर 3 से 4 महीने बाद करा सकते हैं। इसमें खाली पेट और खाने के 2 घंटे बाद का सैंपल नहीं देना पड़ता। किसी भी लैब में आप जाकर HbA1c, जिसे ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, के टेस्ट के लिए आप सैंपल दे सकते हैं। इस टेस्ट में पिछले 3 महीने में एवरेज ब्लड शुगर लेवल का पता लग जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज 4 से 6% तक मानी जाती है और आजकल डॉक्टर यही टेस्ट ज्यादा कराते हैं। पर HbA1c कराने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे टेस्ट से 3-4 दिन पहले से कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना खाना चाहिए, टेस्ट से पहले कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली नाइसिन टेबलेट, विटामिन सी, एस्प्रिन, गर्म निरोधक दवाएं आदि का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इससे शुगर के लेवल में कमी आ सकती है। जिसको ग्लूकोज पीकर 2 घंटे बाद टेस्ट देना है, उसे वहीं ठहरना चाहिए। 1-1.5 घंटे घूम कर आए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे टेस्ट के रिजल्ट पर असर पड़ता है। और इसके अलावा कुछ और टेस्ट
जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, हार्ट के लिए ECG और TMT, आंखों की जांच, पैरों की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच और किडनी प्रोफाइल टेस्ट भी डायबिटीज पेशेंट को साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि किन अंगों पर डायबिटीज का असर होता है। तो डायबिटीज का असर किडनी पर कुछ साल बाद ही शुरू हो जाता है। इसे रोकने के लिए ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को नॉर्मल रखना चाहिए। ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रण में रखकर आंखों की मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। डायबिटीज के मरीजों में अक्सर 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते दिल के दौरों की समस्या शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए ग्लूकोज स्तर नियंत्रण में रखने के साथ साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और तनाव पर भी नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके अलावा डायबिटीज से कई अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, लकवा, इन्फेक्शन, किडनी फेलियर, स्किन व आंखों की परेशानियां, पैरों की समस्याएं, दांतों की बीमारियां, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन, फ्रोजन शोल्डर या कंधे का जाम होना। और आइए अब बात करते हैं कि किसे पड़ती है इंसुलिन की जरूरत। तो शुगर के वे मरीज जिनको दिल की बीमारी हो या लकवा का अटैक आ चुका हो, आंखों की बीमारी हो, इन्फेक्शन हो, टीबी हो या ऑपरेशन होने वाला हो, डायबिटीज से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को जब दवाओं से डायबिटीज कंट्रोल में ना आ रहा हो तो इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। पर इंसुलिन के सही इस्तेमाल का तरीका भी जानना आपको बहुत जरूरी है। और आइए अब बात करते हैं इंसुलिन लेने का सही तरीका क्या है। डायबिटीज के मरीज सिरिंज और इंसुलिन की सीसी के बजाय इंसुलिन पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इंसुलिन का इंजेक्शन हमेशा खाने से पहले लगाना चाहिए, सुबह नाश्ता करने से पहले और रात में डिनर करने से 15 से 20 मिनट पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना चाहिए। दो इंजेक्शनों के बीच 10 से 12 घंटे का फासला होना जरूरी है। खाने के एकदम साथ इंजेक्शन ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से शुगर लेवल बढ़ सकता है। और इंसुलिन को ठंडी और साफ जगह पर रखें। और आइए अब बात करते हैं कि इंसुलिन का इस्तेमाल कैसे करें। कई बार यह देखा गया है कि नियमित इंसुलिन की डोज लेने के बावजूद ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण से बाहर रहता है। गलतफहमी में लोग इसे बेअसर मान लेते हैं और इंसुलिन का इस्तेमाल ही बंद कर देते हैं। ऐसे में समस्या और गंभीर हो जाती है। इंसुलिन खरीदते वक्त यह बात सुनिश्चित कर लें कि वह सही है या नहीं। हालांकि इसे देखकर असली नकली का पता लगाना मुश्किल है। कई बार हम इंसुलिन के रंग से उसके असली नकली होने का अंदाजा लगा सकते हैं। इस समस्या से बचने के लिए किसी अधिकृत केमिस्ट से ही इंसुलिन खरीदें और इसका बिल जरूर लें। इसके साथ ही यह भी जांच कर लें कि इंसुलिन के स्टोरेज में तापमान के मानक का ध्यान रखा गया है या नहीं। इंसुलिन की क्वालिटी बरकरार रखने के लिए इसे 8 से 10 डिग्री तापमान पर रखना चाहिए। केमिस्ट की दुकान से घर तक लाने और घर में स्टोर करने में भी तापमान के नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है। डायबिटीज को नियंत्रण में रखने के लिए डॉक्टर की सलाह पर इंसुलिन लेने से हिचकिचाए नहीं, क्योंकि इसके बिना आपकी समस्या बढ़कर किडनी, लीवर, आंखों और हार्ट जैसे महत्वपूर्ण अंगों को अपने चपेट में ले सकती है और आपका जीवन मुश्किल में डाल सकती है। और आइए अब जानते हैं डायबिटीज का आयुर्वेदिक उपचार क्या है। तो आयुर्वेद में महामज्जक वटी दिन में 2 बार लेना चाहिए। इसके अलावा बसंत कुसुमाकर रस दूध के साथ ले सकते हैं। चंद्रप्रभा वटी पानी से 2 बार ले सकते हैं। पर ध्यान रखें कि इन दवाओं में से किसी एक दवा का सेवन वैद्य की सलाह से करना आपके लिए फायदेमंद होगा। और आइए अब जानते हैं कि क्या योग और प्राणायाम भी डायबिटीज में फायदेमंद है। जी हाँ, योग और प्राणायाम भी डायबिटीज में फायदेमंद है। कुछ खास योगासन और प्राणायाम ब्लड ग्लूकोज स्तर और ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक है, क्योंकि इनसे शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है। इन योगासनों में कपालभाति क्रिया 5 से 7 मिनट, अग्निसार क्रिया 3 बार, ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन 3 बार, पवन मुक्तासन 2 बार, भुजंगासन 2 बार, मंडूकासन 5 से 6 बार, अर्धमत्तेंद्रासन 2 बार, उड्यान बंदासन 2 से 3 बार, अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट, भ्रस्तिका प्राणायाम 2 बार करना चाहिए। इन आसनों को करने से पैंक्रियाज एक्टिवेट होता है। इसके अतिरिक्त पैरों और आंखों के लिए अलग से सूक्ष्म क्रियाएं करें। उज्जयी प्राणायाम दिल को सेफ रखेगा, तो अनुलोम विलोम याददाश्त के लिए अच्छा है। पर ध्यान रखें कि इन आसनों को खाली पेट सुबह करें या लंच से 4-5 घंटे बाद करें। और डायबिटीज में पैरों की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। तो आइए अब जानते हैं कि पैरों की सुरक्षा कैसे करें।
इसके लिए आपको रोजाना आईने में अपने पैरों की जांच करनी चाहिए। पैरों को साफ रखें, खास तौर पर तलवों को। नंगे पैर कभी ना चलें, मंदिर में या घास पर भी नहीं। जूते चप्पल की अगर रगड़ से त्वचा सख्त हो गई है तो डॉक्टर को दिखाएं। धूम्रपान बिल्कुल ना करें और पैरों की गर्म सिकाई भी ना करें। डायबिटीज बड़ों के अलावा बच्चों को भी अपने चपेट में ले रहा है। और आइए अब जानते हैं कि क्यों बढ़ रहा है बच्चों में डायबिटीज का खतरा। बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, क्योंकि उनमें मोटापा बढ़ रहा है। ऐसे तो डायबिटीज के सटीक कारण का पता नहीं है, पर ऑटो इम्यून मैकेनिज्म, इंसुलिन बनाने वाले पैंक्रियाज के कुछ हिस्से शरीर के अपने इम्यून सिस्टम से ही नष्ट हो जाते हैं, को एक कारण माना जाता है। अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारण भी महत्वपूर्ण है। इसके लक्षणों में ज्यादा पेशाब और प्यास लगना, अक्सर वजन का कम होना, कमजोरी और आलस्य, ज्यादा भूख लगना, कभी कभी भूख मर भी जाना, रात में बिस्तर पर पेशाब आदि डायबिटीज के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा टाइप 1 के कुछ मरीज, जो लगभग 25% होते हैं, में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है, जिसे DKA भी कहा जाता है, जो एक गंभीर लक्षण है। इसमें उल्टी, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन, जिसमें मुंह, होंठ का सूखना, आंख का धंसना आदि शामिल है। तो अगर आपके बच्चे में भी ऐसे लक्षण हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं मोटापा और डायबिटीज में क्या संबंध है। दरअसल हमारे बच्चों की जीवन शैली स्वस्थ नहीं है। इसी तरह जंक फूड और नई नई तकनीकों पर निर्भरता बनी रही और मेहनत पीछे छूटती गई, तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, जो पहले बच्चों में नहीं सुना जाता, आजकल तेजी से बढ़ रहा है। वजन ज्यादा होना या मोटापा इसकी बड़ी वजह है। मोटापा इंसुलिन को बेअसर करता है, इससे इंसुलिन शरीर पर सही असर नहीं कर पाता। इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे तेजी से बदलती जीवन शैली, आहार में असंतुलन समेत बहुत ज्यादा कैलोरी लेना, चीनी और तैलीय पदार्थों का ज्यादा इस्तेमाल और एक्सरसाइज बिल्कुल न करना। भोजन और एक्सरसाइज पर सतर्कता से मोटापे और इसके खतरनाक नतीजों से बचा जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा और कल का वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आप जान पाएंगे डायबिटीज के इलाज और नई दवाओं के बारे में, डायबिटीज से जुड़े कुछ मिथ, डायबिटीज में इंटरनेट कैसे मददगार हो सकता है। और यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।